हाय, वेलकम टू द टेकपाल। टेकपाल में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए। हाउ टू रिकवर अनसेव्ड एमएस ऑफिस फाइल्स वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल फाइल्स ओपन होती है, वर्ड एक्सेल पीपीटी, और समटाइम आपका लैपटॉप का पावर फेलियर हो जाता है या डेस्कटॉप का पावर फेलियर होता है, आप डेटा सेव नहीं कर पाते हो, डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो इस ट्रिक से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको 100% डेटा आपका रिट्रीव करके मिलेगा। तो वो ट्रिक क्या है, एक सेटिंग्स है, वो आपको फॉलो करना है। लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, वर्ड एक्सेल पीपीटी दो तीनों में करा के दिखाऊंगा, आप वो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो चलिए, मेरा डेस्कटॉप, ये मेरी एक्सेल फाइल है। तो इसके अंदर फाइल में जाएंगे हम लोग, ऊपर की जो फाइल है, ये बुक टू नाम की एक्सेल फाइल है। इसको मैं दिखाऊंगा कि इसको मैं सेव नहीं करूंगा, फिर इसको रिट्रीव करके दिखाऊंगा। पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। फाइल में जाके ऑप्शंस में जाएंगे, और ये देखिए जो आपको हाईलाइट हो रहा है ना, सी यूजर्स ऐप डेटा, ये आपको याद रखना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। और ये देखिए, सेव ऑटो रिकवरी बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स होता है, मैंने 1 मिनट किया हुआ है। और ये जो कंटेंट दिखा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, वहाँ जाके टाइप करके आपको अप्लाई ओके करना है। सी यूजर्स ऐप डेटा एडमिन ऐप डेटा करके टाइप करना है। तो ये मैंने इधर टाइप करके ओके कर दिया है। अब ये फाइल को मैं बंद करके आपको दिखाऊंगा, डोंट सेव करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कैसा डेटा रिट्रीव होता है। देखिए, मैंने डोंट सेव किया है। अगेन मैं एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन करूंगा, और इसमें आपको वो जो मेरा रिट्रीव करके डेटा आपको रिकवर करके 100% दिखाऊंगा। ये बहुत इजी है, सिर्फ ये एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन एक इनिशियली प्रैक्टिस है। देखिए, नीचे दिख रहा है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन में जाकर डेटा सेव हो जाता है। ये फाइल है, देखिए, जो लास्ट टाइम मेरी फाइल, और इधर आपको दिखाएगा सेव एज, इट मीन्स लास्ट टाइम ये सेव नहीं हुई थी, तो इसलिए रीड ओनली फाइल दिखा रहा है, आपको सेव एज करने को बोल रहा है। तो मैनुअली आप क्लिक करके इसको सेव एज करेंगे। जिधर आपको सेव करना है, जो नाम देना है, सेल्स रिपोर्ट जो भी करना है, वो आप मैनुअली कर सकते हैं। तो सिर्फ इनिशियली आपको एक प्रैक्टिस है कि आपको प्रश्न जाके फाइल ऑप्शंस में सेव एज में जाके वो टाइप करना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट जो 10 मिनट्स होता है उसको आपको 1 मिनट्स करना पड़ेगा। ये इनिशियली आपका जो प्रैक्टिस है, ये वर्ड एक्सेल पीपीटी तीनों में करना पड़ेगा। तो एक्सेल का मैंने दिखा दिया है आपको, और इसका ये कंटेंट मैं आपको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आपको सेम चीज़ करना है। तो मैं वापस एक्सेल फाइल ओपन करके जो था ऐप डेटा, इसको मैं कॉपी करके अदर्स में वर्ड में भी पेस्ट कर लूँगा, और पीपीटी में भी करके पेस्ट कर लूँगा। देखो, ये फाइल को मैं राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके अब मैं इसको वर्ड एंड पीपीटी में भी पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, मैं नेक्स्ट मेरा वर्ड में जाते हैं। यह एक प्रैक्टिस है इनिशियली जो आपको करना पड़ेगा। 1 मिनट, जो 10 मिनट्स डिफॉल्ट होता है उसको 1 मिनट करिए, और ये लोकेशन जो होता है, बाय डिफॉल्ट थोड़ा लोकेशन दिया होता है, थोड़ा ही ऐड करना है आपको, बट मैं बोलता हूँ कि यहाँ से कंटेंट डिस्क्रिप्शन से, मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे सेव कर लो ना, जाए डायरेक्ट पेस्ट कर लो ना, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे वर्ड फाइल ओपन किया, इसको पहले हम लोग जाते हैं फाइल में, सेव एज में। एक मेरी लेटर फाइल है, फाइल में गए, ऑप्शंस में जाएंगे, सेव एज नहीं है, सॉरी, फाइल के अंदर ऑप्शंस में, उधर सेव में जाके क्लिक करेंगे। के अंदर देखिए, इधर 10 मिनट्स लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट होता है, किसी भी ऑफिस की फाइल का 10 मिनट्स डिफॉल्ट होता है। इसको 1 मिनट करेंगे, कीप द ऑटो, इस पर टिक करेंगे, और जो लोकेशन मैंने आपको बताया जो हाईलाइट हो रहा है, वो हाईलाइट को यहाँ के कंट्रोल वी करके जो लास्ट टाइम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये वर्ड फाइल का भी, और आपको एक चीज़ याद रखना, 1 मिनट आपने एक वर्ड रखा है ऑटो सेव रिकवरी, तो इट मीन्स आपको 1 मिनट का फाइल आपका होल्ड करना पड़ेगा, आपकी कोई भी फाइल 1 मिनट तक ऑन होनी चाहिए, तो फाइल सेव होगी, अदरवाइज सेव नहीं होगी। तो उधर मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी एक फाइल है, इसको मैं एक रिज्यूम है, बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम पे था, ये कंटेंट मैंने एक उसमें कॉपी किया है, और इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको रिट्रीव कर सकता हूँ। मैं किसी भी फाइल को 1 मिनट होल्ड करके रख रहा हूँ, मैं वीडियो में रिज्यूम पॉज करके आगे चल जा रहा हूँ, लेकिन फाइल को आपको 1 मिनट तक ऑन रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने ऑटो रिकवरी 1 मिनट रखा हुआ है। अगेन आपको मैं दिखा देता हूँ, फाइल में जाके सेव एज, ये बाय डिफॉल्ट 1 मिनट है, देखिए, और उसके 2-3 चीज़ पर टिक रखना पड़ेगा आपको। अब इसको भी मैं क्लोज करूँगा, जो कि डोंट सेव करूँगा मैं। फाइल में भी आपको मैं वर्ड फाइल जो है, मैं भी इसको क्लोज करूँगा,
देखिए डोंट सेव करूँगा मैं, और अगेन मैं एक ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन करके आपको जो ऑटो सेव रिकवरी से डेटा रिट्रीव करके दिखाऊंगा। एक मिनट तो आई थिंक इट्स नॉट अ मच टाइम बिकॉज इट्स अ इजी टाइम, तो जनरली लोग काम करने के टाइम तो एक मिनट तो फाइल पे होल्ड रखते ही हैं, उसके बीच में बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स का होता है लेकिन लोगों को पता नहीं, एक मिनट में भी आप डेटा आपका रिट्रीव कर सकते हैं, और रिट्रीव कैसा करना है ये लोगों को पता नहीं है। तो सेम थिंग देखिए रिक्रीव, ये फाइल्स मेरी जो हुई थी इसमें डेट मॉडिफाई में देखिए दो फाइल्स है, ऑलरेडी एक पहले की हुई फाइल होगी, ये मेरा मिल गया जो आनंद सिंह करके जो था रिज्यूम था किसी का, उसको भी सेव एज करके आप आपके जिस लोकेशन में सेव करना है वहाँ जाके सेव कर सकते हैं। तो एक्सेल मैंने बता दिया, वर्ड बता दिया, और तीसरा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में भी आपको इनिशियली प्रैक्टिस वही करना है, आपको जाके कॉपी करके पहले आपका बाय डिफॉल्ट जो 10 मिनट्स होगा उसको 1 मिनट करना है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो बेसिक चीज़ है। अब इसको पहले मैं पावर पॉइंट को उठा के उसको फिर मतलब वही चीज़ है, आपको फाइल में जाके ऑप्शन में जाके सेव एज करके उसको बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स होगा उसको 1 मिनट करना है, और उसके बाद जो लोकेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो लोकेशन वहाँ जाके पेश करना है। हर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड होता है, और वो लोकेशन कहीं अलग नहीं होगा, 100% सबका एक ही लोकेशन होगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपके सिस्टम पे वीडियो देखने के बाद आप पेस्ट कर सकते हो फाइल। और ये 100% डेटा रिट्रीव होता है, मैंने आपको दिखा भी रहा हूँ, मैंने खुद काफ़ी टाइम लोगों को मैं आईटी में हूँ तो मैंने काफ़ी यूज किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। सेम थिंग देखिए ये बाय डिफॉल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिया था, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे बिकॉज मैंने वहाँ डेटा कॉपी किया है, यहाँ से करके कंट्रोल वी करके ओके कर देंगे। तो ये पीपीटी में भी सेम थिंग जैसा मैंने बताया आपको, उसके द्वारा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। देखिए अभी मैं एक कोई मेरा ईमेल फाइल है उसका मैंने बनाया था, उसको मैं एक मिनट होल्ड करूँगा, एक मिनट मतलब रुकूंगा, एक मिनट के बाद फिर मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा डोंट सेव करके, उसके बाद वापस जाके फाइल रिकवरी में जाके डेटा रिट्रीव करके दिखा दूंगा आपको मैं। देखिए रिकवर, तो ये फाइल मेरी ऑलरेडी देखिए दो फाइल इसमें है, तो इस तरह से आप लॉस्ट डेटा जो आपका सेव करना भूल गए वो भी फाइल आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो टेक्पल चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए, कमेंट में आप बताइए आपको क्या टेक्निकल क्वेरी है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो को जहाँ तक अच्छा हो वहाँ शेयर करिए, लाइक करिए,